अब आप लोग मेरे वीडियोस को अन की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी यू पी टी टी सी टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू दोस्तों हेलो दोस्तों वेलकम टू सफलता मंत्र दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए शिक्षा विभाग से संबंधित उनहत्तर हज़ार वैकेंसी जो भी आई हुई थी उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ काफ़ी लोग इस समय परेशान हैं काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो उन सभी को लेकर आज हम लोग इस पार्ट में चर्चा करेंगे इसके बाद जो अन्य खबरें चल रही हैं उनके बारे में भी एक एक करके आपको बताते चलेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो है वो कल से व्हाट्सएप पर आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें चल रहा है कि उनहत्तर भर्ती पर लखनऊ बेंच की ओर से लगाया गया स्टे तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई स्टे नहीं लगाया गया लेकिन वो एक स्टे की तरह ही होता है लेकिन वो सिर्फ आज के लिए लगाया गया था यानी कि कोर्ट ने कल सुनवाई के बाद ये कह दिया था कि एक दिन के लिए उनहत्तर हजार वैकेंसी पर स्टेटस मेंटेन रखने के लिए कहा था यानी कि इसका मतलब होता है कि तब तक आप लोग उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे यानी कि सिक्सटी परसेंट और सिक्सटी फाइव परसेंट का कट उन्होंने जारी किया था तो 60-65 परसेंट के कट ऑफ में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक कि कोर्ट नहीं कहेगी और यह सिर्फ आज के लिए यानी कि शुक्रवार के लिए कहा था और आज फिर से दोबारा सुनवाई होने वाली है तो इसे दोस्तों एक तरह से स्टे नहीं कहा जा सकता स्टे का मतलब होता है बिल्कुल उस वैकेंसी को रोक दिया गया है बल्कि वैकेंसी को नहीं रोका गया है और उसमें जो कट ऑफ वगैरह लगाया गया था उसको लेकर स्टेटस मेंटेन रखने के लिए कहा गया था और ये कहा गया था कि आप लोग इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये दोस्तों सबसे बड़ी खबर है काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं तो आप लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए अब ये सच्चाई आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं है और ना ही दोस्तों इसमें कोई स्टे लगा हुआ है और डेली तौर पर सुनवाई हो रही है कल भी दो केस की सुनवाई हुई थी एक इलाहाबाद कोर्ट में और एक की लखनऊ कोर्ट में आज फिर से दोनों केस की डेट लगाई गई है और आज दोबारा से सुनवाई होगी इलाहाबाद कोर्ट में आज सचिव प्रभात कुमार जी को भी बुलाए जाने की बात सामने आई है लेकिन बिल्कुल पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता ये बात सही है या गलत है लेकिन जहाँ तक की उम्मीद है उनको भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जो कटाफ लगाया गया है उस बारे में जानकारी के लिए बुलाया गया है ना कि अभी इसे हटाने या बढ़ाने के लिए कोई बात होने वाली है तो अब ये देखना होगा दोस्तों आज की कोर्ट अपडेट में क्या न्यूज़ आती है तो वो तो दोस्तों आप शाम तक जो अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को शाम को बता दूंगा उसी के आधार पर आप लोगों की जो नेक्स्ट न्यूज और अपडेट मिलेगी वो आपको उसी से संबंधित होगी आज ये काफी लोग मुझे कल शाम से मैसेज कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं कि वैकेंसी पर स्टे लग गया है तो उसी को दोस्तों मैंने आज आप लोगों के बीच लाने के लिए कुछ न्यूज़ लाया था इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी आप लोगों को देनी है तो आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज़ में तो दोस्तों अब दूसरा मामला जो है पेपर लीक मामले को लेकर भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि केस दर्ज हो चुका है और उसकी भी सुनवाई होने की संभावना है तो दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि इस केस की भी आज सुनवाई होने वाली लगभग तीन से चार लोगों ने मिलकर पेपर लीक मामले में अपने सबूत एकत्रित करके जो उनके पास व्हाट्सएप के स्क्रीन थे उन सबकी फोटो लेकर और जहाँ से उनको प्रूफ मिल सकते थे उन सबको लेकर एक पेपर लीक मामले पर भी कोर्ट में केस किया हुआ है शायद जहाँ तक उम्मीद है इलाहाबाद कोर्ट में ही केस किया गया है अभी इसके आगे की कोई खबर नहीं मिल पाई लेकिन बताया जा रहा कि आज इस केस की भी सुनवाई होने वाली है अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले को कहाँ तक ले जाती आगे क्या बात होगी और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो वीडियो का पेपर हुआ था वीडियो के पेपर पर भी लोग यही सवाल उठा रहे थे कि पेपर लीक हुआ इसके अलावा उस पर भी कई याचिकाएं हुई थी लेकिन अभी कल या परसों कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जितनी भी याचिकाएं वीडियो पेपर से संबंधित कोर्ट में की गई थी उन सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया तो दोस्तों एक बार इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि सरकार जो चाहती है वही करवा लेती है चाहे वो कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो तो और सरकार पूरा मन बना चुकी है उनहत्तर वैकेंसी को पूरा करने की अब यह देखना होगा कि कटाफ का क्या वोटा कट ऑफ घटाया जाता है बढ़ाया जाता है या जो कुछ भी होता है वो उम्मीद है कि आसाम तक स्थिति क्लियर कर दी जाएगी और इसके अलावा दोस्तों आगे की कुछ अन्य न्यूज़ है उसके पहले जो आपको ये स्टेटस मेंटेन वाली पेपर की कटिंग है एक बार आप लोग वो भी देख लीजिए इसमें देखिए लिखा हुआ है 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में यथा यथास्थित रखे सरकार हाई कोर्ट तो दोस्तों ये देखें लखनऊ खंडपीठ में जो कल सुनवाई हुई थी उनहत्तर हज़ार शिक्षकों की उसमें यथा स्थिति बहाल रखने को कहा गया था यानी कि स्टेटस मेंटेन रखने को कहा गया था ना कि भर्ती पर स्टे लगाने के लिए कहा गया था और ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ है जो न्यूज़ भी चल रही है इतने समय से तो दोस्तों उसे आप लोग मान के चलिए बिल्कुल फ़ेक न्यूज है काफ़ी लोग उससे परेशान भी हैं काफ़ी लोगों के कल से कॉल आई थी कि इतनी मेहनत की है और उसके बाद ये वैकेंसी पर भी रोक लग गई है क्या तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है जहाँ तक कि उम्मीद है कि एक दो दिन में सरकार अपना जो आगे का जो टाइम टेबल वगैरह वो भी जल्द ही देने वाली है और ये जो सुनवाई हुई थी कट ऑफ पैंसठ और 60 प्रतिशत रखने की याचिका दा, जो दायर की गई थी उसके आदेश पर किया गया है और दोस्तों लेकिन इसमें अभी तक कोई भी स्टे नहीं लगाया गया सबसे बड़ी बात जो थी वो यही थी दोस्तों आप लोग एक बार फिर से पूरी न्यूज़ पढ़ लीजिए और देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई शुक्रवार सुबह दस बजे रखी है यानी कि लखनऊ में जो सुनवाई रखी गई है वो सुबह सवा बजे प्रारंभ हो जाएगी यानी कि आप लोग मान के चलिए सुनवाई प्रारंभ हो चुकी होगी उसकी जैसे से ही कोई अपडेट आती है आप लोगों को तुरंत मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और इसके आगे दोस्तों इलाहाबाद कोर्ट में भी आज दोपहर तक केस लगने की संभावना है इसके आगे जो अड़सठ पाँच सौ वैकेंसी से संबंधित एक केस और था तीस तैंतीस से संबंधित उसकी भी आज सुनवाई होने की बात कही जा रही है उसमें भी उम्मीद है कि आज कुछ सुनवाई होने की संभावना है उसकी भी आज क्योंकि पाँच नंबर में लगी हुई है उनहत्तर हज़ार वैकेंसी की इलाहाबाद में जो डेट है वो है और इसके बाद छः नंबर पे तीस तैंतीस प्रतिशत का जो कटाफ रखा गया था पिछली बार उससे संबंधित भी सुनवाई होने की संभावना है तो इन सभी न्यूज़ और कोर्ट अपडेट से लेकर अगर कोई रिलेटेड न्यूज़ आती है मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक न्यूज देता रहूँगा इसी प्रकार से बस आप लोग इसे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए इसके बाद आज

संभावना है उनहत्तर हजार वैकेंसी की वजह से भी उसमें कुछ देरी हो रही है तो अब देखना यह होगा कि कब तक इसका रिजल्ट आ जाता है अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है आप लोगों को तुरंत मैं जल्द जल्द से जल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रहिए साथ देते रहिए इसके साथ ही साथ दोस्तों अन अकेडमी पर मैंने आपके यूपी टेट के लिए एक नया कोर्स कल ही लेकर आया हूं उसे भी जरूर देख लीजिएगा यूपी टेट से संबंधित सी टेट से संबंधित मैं काफी कोर्सेज ला चुका हूं और रीट के कोर्सेज भी उस पर चल रहे हैं जल्दी आपके लिए यूपीटेट से संबंधित दो अन्य कोर्स ला रहा हूँ जो कि सिलेबस पर फॉलो तो कर लीजिए और सभी नोट्स को पढ़कर अच्छे से अपनी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे, अच्छे अंक ला सकें क्योंकि बाद में समय कम बचता है तब आप लोगों को घबराहट होती है और आप लोग गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं इसलिए अभी आपके पास बहुत अधिक टाइम है अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए इसके अलावा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की जो एग्जाम डेट है वो भी घोषित कर दी गई है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम किए गए 28, 29 और तीस जनवरी को इसके बाद इकतीस एक और दो को रखे गए हैं सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियोज़ और नोट्स चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उस पर भी आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार करके जल्द से जल्द ला सकूँ लेकिन इसके लिए पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा अब दोस्तों इसके बाद आगे की खबर पर बात करते हैं तो दोस्तों आज की एक और अन्य खबर है कि सामान्य आरक्षण बिल पास होगा और कहाँ पास होगा ये तो दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से ये बिल ऑलरेडी पास कर दिया गया है जिसमें कि दस प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है लेकिन ये अभी राज्य सरकारों के द्वारा पारित नहीं किया गया है तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली उत्तर प्रदेश सरकार में तो दोस्तों उस बैठक में ये बिल पास किए जाने की पूरी संभावना है और बताया जा रहा था कि कैबिनेट मीटिंग में ये बिल सबसे पहले प्रायोरिटी पर पास कराने की बात कही जा रही है तो उम्मीद करते हैं कि आज ये बिल पास हो जाएगा लेकिन अभी यह कह पाना संभव नहीं है कि इस वैकेंसी वालों को इस बिल का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है आगे अगर कोई खबर मिलती तो आप लोगों को उस बारे में भी तुरंत हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे बताते रहेंगे इसका दोस्तों एक खबर है एल्टी ग्रेड एग्जाम से संबंधित तो ग्रेड एग्जाम का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है और अभ्यर्थियों ने सात दिन का समय दिया है कि दिन में अगर रिजल्ट नहीं आता है तो व्यापक तौर पर उसका भी विरोध करके आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी अब उम्मीद करते हैं कि सुनवाई प्रारंभ हो गई होगी और उसकी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आप लोगों को तुरंत मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अभी आप लोग हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए आगे जो भी खबर होती रहेगी आप लोगों से संबंधित वो मैं आप लोगों को समय पर बताता रहूँगा बस आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए चैनल की सभी वीडियोस को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और अगर आपको कोई डाउट हो कोई चीज़ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं आज के पार्ट में इतना ही थैंक यू दोस्तों